धन्यवाद। 6 मिनट में कविता सुना कर क्या भाई साहब, कहने को बहुत कुछ है, सुनने को आप अगर तैयार हो तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, और इनको कहने दीजिए। ये जो कुछ कहते हैं वो सुनता रहता हूँ, और आप भी सुनते रहिए, मेरी बात सुनिए। मिनट सही रहे। अध्यक्ष जी आ गया, अध्यक्ष जी आ गया। अच्छा, बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए दो चार पंक्तियां कि चार दीवारी में भी सूरज नजर आने आए हैं आज। चार दीवारी में भी सूरज नजर आए हैं आज, कैसे कैसे चांद धरती पर उतर आए हैं आज। क्या कहते हैं, कैसे कैसे चांद धरती पर उतर आए हैं आज। धूप बनकर चांदनी उतरी है आंगन में मेरे, देवता मेहमान बनकर मेरे घर आए हैं आज। क्या बात है, देवता मेहमान बनकर मेरे घर आए हैं आज। आपका स्वागत हमारे पत्थरों के शहर में। आपका स्वागत हमारे पत्थरों के शहर में, कांच के दिल आईनों वाले घरों के शहर में। और दिल के हर कोने में आकर आप बस जाइए, दिल के हर कोने में आकर आप बस जाइए, प्यार से महके दिलों के इंद्रों के शहर। और चार पंक्तियां पेश कर रहा हूं, मोहब्बत की बातें हैं, ज्यादातर शायर मोहब्बत ही करते हैं, ज़ुल्फ़ रुख़सार का इकरार भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। तो जैसे मैं देखूं उसी तौर न देखे कोई, जैसे मैं देखूं उसी तौर न देखे कोई, तुझको मेरी तरह बागौर न देखे कोई। जैसे मैं देखूं उसी तौर न देखे कोई, तुझको मेरी तरह बागौर न देखे कोई, मेरी खिलवत में खलल पड़ने न पाए हरगिज, जब भी मैं देखूं तुझे और न देखे कोई। जब भी मैं देखूं तुझे और न देखे कोई। और चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, चार चार लाइनों में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समय से गुजर गई तो ठीक है, और नहीं गुजरी तो भी ठीक है। मेरी ये मुश्किल कि मेरा दिल बड़ी मुश्किल में, मेरी ये मुश्किल कि मेरा दिल बड़ी मुश्किल में है, और दिल की ये मुश्किल कि तू मुश्किल भरे इस दिल में है। मेरी ये मुश्किल कि मेरा दिल बड़ी मुश्किल में है, दिल की ये मुश्किल कि तू मुश्किल भरे इस दिल में है। ऐसा मुश्किल भी नहीं मुश्किल मेरी आसान न हो, ऐसा मुश्किल भी नहीं, ऐसा मुश्किल भी नहीं मुश्किल मेरी आसान न हो, फिर तो कुछ मुश्किल नहीं गर तू मेरी मुश्किल में है। और की बात है, सबसे छुपते थे लेकिन सूर से नहीं छुपते थे। चार पंक्तियों में मैंने कहने की कोशिश की है कि छचिया भर छाछ पे नचाते देख लेता, छचिया भर छाछ पे नचाते देख लेता था, द्रौपदी की लाज भी बचाते देख लेता था, श्याम छिप जाते थे सभी की नजरों से मगर, सूर उन्हें माखन चुराते देख लेता था, सूर उन्हें माखन चुराते देख लेता था। और एक बार ऐसा हुआ कि सूरदास जी किसी कुएं में गिर गए, और कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा के उन्हें बाहर निकाल दिया। मैंने चार पंक्तियों में वो दृश्य कहने की कोशिश की है कि जब वो बाहर आए तो कृष्ण जी ने कहा हाथ छोड़ो,
तब सूर्य जी कहते हैं कि आया है हाथ हाथ में मुश्किल से जाके हाथ। आया है हाथ हाथ में मुश्किल से जाके हाथ, जाने न दूंगा हाथ से तुमको छोड़ा के हाथ। आया है हाथ हाथ में मुश्किल से जाके हाथ, जाने न दूंगा आपको हरगिज छोड़ा के हाथ। हाथों में देकर हाथ जब ऊपर उठा लिया, हाथों में देकर हाथ जब ऊपर उठा लिया, कैसे मैं छोड़ दूं भला हाथों में लाके हाथ। कैसे मैं छोड़ दूं भला हाथों में हाथ के लाके हाथ। और अगर वक्त हो तो यह गजल छोटी सी। मतलब पेश कर रहा हूं कि अपनों ने अपना कहना गवारा नहीं किया, अपनों ने अपना कहना गवारा नहीं किया, और अपनेपन का कोई इशारा नहीं किया। और शेर देखिए कि खामोश मुझको कर दिया मेरे जमीर ने, खामोश मुझको कर दिया मेरे जमीर ने, मैंने कोई सवाल दोबारा नहीं किया, मैंने कोई सवाल दोबारा नहीं किया। खामोश मुझको कर दिया मेरे जमीर ने, मैंने कोई सवाल दोबारा नहीं किया। शुक्रिया। और माहौल में खामोशी खुद ब खुद ही आ गई, माहौल में खामोशी खुद ब खुद ही आ गई, शायद के वक्त ने भी गवारा नहीं किया। और शेर देखिएगा, खास तौर से पेश कर रहा हूं, अगर पसंद आए तो साथ लेते जाइएगा, कि सारी बुलंदियों की नजर पस्तियों पे थी जी, सारी बुलंदियों की नजर पस्तियों पे थी, लेकिन अना ने झुक के नजारा नहीं किया। अना ने झुक के बाबा, सारी बुलंदियों की नजर पस्तियों पे थी, लेकिन अना ने झुक के नजारा नहीं किया। और टूटी हुई कश्ती पे, टूटी हुई पतवार पे मौजों का था गर्म, टूटी हुई पतवार पे मौजों का था गर्म, हमने भी कोशिशों से किनारा नहीं किया, हमने भी कोशिशों से किनारा नहीं किया। शुक्रिया।